सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक बार फिर से फतेहाबाद, ये समझ लीजिए फतेहाबाद के अंदर ही हैं, और बोडिया खेड़ा गांव है भाई का, वीरेंद्र गढ़वाल के नाम से लगभग, जो भाई फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक की तो ये कह सकते हैं जानी मानी हस्ती, जो भाई फेसबुक चलाते हैं वो लगभग सभी भाई जानते हैं, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर पहली बार वीडियो आ रही है, तो वैसे बड़ी जरूर दिखाई दे रही होगी सामने आपको, लेकिन बहुत दुधारू भैंस है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, सभी भैंसों के बारे में पूछेंगे, कुछ गाय भी है भाई साहब के पास, ये देखिए इस साइड में, और बहुत ही खूबसूरत गाय दिखाई दे रही है हमारी हरियाणा नस्ल की, भाई साहब से पूछेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बोडिया खेड़ा गाँव में हम हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं फतेहाबाद के अंदर ही। तो वीरेंद्र भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब आपका अपने पास आने के ऊपर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, आपको राम राम करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो वीरेंद्र भाई, भैंस के बारे में बात करेंगे, कौन से ब्यांत की है, कितने दूध वाली है भाई साहब? भाई साहब ये अब की बार 8वें ब्यांत में है। हाँ हाँ। और इसने अचल डिब्बी के अंदर घर से दूर जाके सरकारी संस्थान के अंदर 22 किलो 380 ग्राम HLDB में दूध रिकॉर्ड करवाया है। 22 किलो 380 ग्राम HLDB में घर से कितने किलोमीटर जाना पड़ता था? 4 सुबह 4 शाम को। पैदल ही जाती थी या गाड़ी में? गाड़ी में जाती थी, तकरीबन सुबह का 16 किलोमीटर हो जाता था, सुबह शाम 16 किलोमीटर चल के भी भैंस ने 22 किलो 380 ग्राम घर पे भाई जी भैंस चली गई थी 24-25 किलो पे। हाँ हाँ। तो ये गाड़ी में गई तो वो डाउन हो गया, फिर उसके बाद में HLDB की रिकॉर्डिंग है खत्म होने के बाद में इसका लाइव ही 3 टाइम मिल्किंग की घर पे, उसमें दूध ये इसने 22 किलो 900 ग्राम फेसबुक के किसी ग्रुप में चलाई लाइव? वो जी अपनी वीरेंद्र गढ़वाल फेसबुक पे है, अपनी आईडी पे चलाई जी। अच्छा, अपनी आईडी पे चलाई और 22 किलो 900 ग्राम 22900 लगभग 23 किलो दूध दिया जी, 3.5 थणा में दिया, उस साइड का जो इसका आगे वाला थणा ना वो हाँ हाँ। है। अच्छा, तो आगे 3.5 थणा में जी, इस साइड करता हूँ, आगे वाला थणा जो है भाई ने बताया आधा है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, नीचे से तो बहुत ही सुंदर है भैंस, क्वालिटी देखिए भैंस की, आगे वाला थणा ठीक है, इस साइड वाला आधा है, 3.5 थणों में भी भैंस ने 23 किलो दूध जो है 22 किलो 900 ग्राम दूध फेसबुक लाइव में, और 22 किलो 300 ग्राम दूध जो है HLDB की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करवाया, देखिए बहुत ही बढ़िया। और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हरियाणा में दूसरे ब्यांत से बड़ी बैसे नहीं होती, लेकिन भाई साहब का कहना है कि 8वां ब्यांत है, तो आप खुद सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से भैंस को बेचना भी नहीं है भाई साहब ने, किस भैंस नहीं बेचनी, इसका जो पिछले ब्यांत का कट्टा है वो बेचना है, कटड़ा बेचना है वो भी दिखाएंगे, और बहुत ही शानदार भैंस है दुधारू, 8वें ब्यांत तक अगर भाई साहब के पास है तो आप खुद सोच सकते हैं अच्छी भैंस होगी, तो ही कोई आदमी बूढ़ी भैंस रखना पसंद करता है, बिल्कुल जेड बनेगा भाई जी। ठीक है ठीक है, कटड़ा इसके साथ वाला ही है जी, कटड़ा ही है जी। तो ये भाई साहब को क्या, इसका फादर का क्या क्या नाम है? B1330 HLDB का ही बुल है, ठीक है, ये बेचना है फिर अभी, ये जी लक्ष्मी डेयरी फार्म जो जलालाबाद में उनको दे रखा है जी कट्टा, उनके पास जाएगा 2-4 दिन के अंदर, 2-4 दिन में जाएगा LDF लक्ष्मी डेयरी फार्म के फार्म पे जाएगा, जो कि सीमन का काम करते हैं, और कटड़ा देखिए इसकी माँ साथ ही बंधी हुई है, और ये जी 27 दिन के ज्ञापन हो गई थी पिछले साल इसका सितंबर में, ये ब्याह था तो लगभग तकरीबन 15 महीने उम्र है, 15 महीने का है, और अभी अपनी माँ के बराबर हाइट होगी लगभग कटड़े की, बिल्कुल बिल्कुल। तो और हाँ हाँ, कटड़े का नाम भाई साहब क्रिश रखा है, और कटड़े की माँ का नाम राधा है, राधा भैंस का नाम है, और कटड़े का क्रिश नाम है, और क्रिश के नाम से ही शायद सीमन होंगे, लक्ष्मी डेयरी फार्म से इसका सीमन भी आ जाएगा, मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो जरूर लगते होंगे अभी सीमन देने के, 6-7 महीने हाँ, 6-7 महीने या 12 महीने के बाद ही सीमन देने के लिए होगा। तो ये देखिए ऐसी ऐसी भैंसों के कटड़े ही बढ़िया जो रहते हैं, और हरियाणा का जो नाम है मुर्रा में, वो ऐसी बड़ी बड़ी अडर वाली भैंसे, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों के कारण ही है। इससे आगे एक झोटी है भाई साहब, ये भाई जी ये खली बुल की है, और इसकी माँ तो बेच दी थी अपने, हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया है हाइट की कट्टी है भाई जी, ये चौथे दांत भी निकालने यार 1 महीने की प्रेग्नेंट है,
अच्छा लेट हुई फिर गैबिन। नहीं भाई जी, इसकी हाइट ज्यादा पूरी मैच्योर हो जाए इसका शरीर, इसलिए गैबिन लेट करवाई। गैबिन लेट करवाया। खली की कटड़ी है देखिए, बिल्कुल छोटे सींग की और चार दांत, और खली में थोड़ी सी फॉल्ट ये रहा है कि उसका थोड़ा सा कलर जो है बच्चों का, हमने काफ़ी सारे कटड़े देखे हैं, फीका रहा है। और भैंस का भी जोटी का भी कलर थोड़ा सा पैरों की साइड से अगर हम देखें थोड़ा सा फीका दिखाई दे रहा है। नीचे की मनाट बहुत बढ़िया। हाँ, नीचे से खली की जो कटड़ियाँ हैं वो बहुत बढ़िया दूध वाली रही हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे एक और खूबसूरत जो जो है भैंस, ये भाई साहब, ये भाई जी उससे आपको लगती तो उम्र में बड़ी होगी, पर ये ओरिजिनल तीसरे ब्यांत की है, ये 12 मसी है। अच्छा। और ये जिस दिन बेई थी उस दिन इसने 12 किलो दूध दिया था, फिर बेई थी, और अब इसकी ये 16-17 दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है। हाँ हाँ। वो भैंस भी प्रेग्नेंट हो चुकी है भाई जी 15 दिन की। अच्छा। और ये अब जैसे 1.5 महीने की हो जाएगी, डॉक्टर से चेक करके फिर इसकी लाइव इसकी और चुवाई करवाएंगे। अब मौके का दूध बताऊंगा उससे बढ़िया तो लाइव आप 3 महीने 3.5 महीने की उस टाइम ही भाइयों को दिखा। कितना दूध निकाल देगी 3-3.5 महीने की? 3-3.5 महीने में भाई साहब 19 और 20 किलो आराम से देगी। आज के दिन भी ये गैपन है भाई साहब 20.5 किलो तैयार है, कंटे का दूध तोल का 20.5 किलो दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई हुई है ये भाई जी? तकरीबन होगी आज 2 महीने से 5-7 दिन ऊपर है। ठीक है। तो वीरेंद्र भाई साहब, ये जो बहुत सारे भाई मान के चलो 24-25-26 किलो दूध की भैंसे कह के बेचते हैं, इतना दूध मेरे ख्याल से तो नहीं होता होगा। अगर सही केयर की बात करें तो 17-18 किलो दूध वाली भैंस, 16 किलो से लेके जो भैंस 16 से ऊपर जाती है वो बहुत ही बढ़िया भैंसों में गिनती होती है। और कोई कोई भैंस आपको मिलेगी जो 20 किलो भेजाए। हाँ। और फिर जी आपको 1000 भैंसों में 5 भैंस मुश्किल से मिलेगी जो 24-25 किलो दूध दे। मैं तो कहूंगा 1 लाख भैंसों में से एक भैंस मिलेगी, 2 भैंस मिलेगी, लेकिन 24-25 किलो का झूठ बोलने का ट्रेंड ज्यादा हो गया। वो भाई साहब क्या होता है कि कई भाइयों के पास जाओगे आप 2 टाइम का दूध रोक के ऑर्डर बढ़ा दिखा देंगे। हाँ हाँ। और अगर आप तो ये बोलते हैं कि भाई कोई भी भाई अपने घर से कंडा लेके आए दूध देखे, अपने को तो ये बेचने भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। भाई अपने 20.5 है तो आप 20.5 ही बताएंगे, आधा किलो ज्यादा बेच सकता, आप कम बता रहे हैं इसका। ठीक है ठीक है। 21 किलो भी मिल सकता है भाई साहब। ठीक है ठीक है। तीसरे ब्यांत की भैंस देखिए, इधर बोलना भाई साहब, 21 किलो दूध देती, और भाई साहब ने कहा कि उस भैंस से भी थोड़ी सी अगर शकल की तरफ, शकल सूरत की तरफ जाएं तो उससे बड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ही जोशी लाड रही है देखिए। 12 महीने लगातार दूध देती है जिसको 12 मासी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। और सबसे बढ़िया भी वही होता है अगर पूरे साल का दूध। ये कट्टी दी थी इसने 2274 की कट्टी दे रखी है। हाँ हाँ। और ये बेई थी उस दिन भी इसके नीचे 12 किलो दूध तैयार था, दूध देती देती बेई थी। ठीक है ठीक है। सुबह दूध निकाला और 12:30 बजे ब्याह की। ठीक है। तो भाई साहब ये नहीं होता कि दूध देते देते ब्याती है तो पूरे दूध पे ना जाए भैंस अगले। ये बात भाई साहब होती है, अब की बार इसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, अपन ने तो खरीदी थी। ठीक है। इसका पिछले साल दूध देखा था रूटीन में। हाँ हाँ। जिस दिन बेई थी उस दिन भी। हाँ हाँ। सुबह दूध देखा था, शाम को ब्याह की। ठीक है ठीक है। सामने 12:30 बजे तकरीबन बेई थी, 12:30 का टाइम था। ठीक है ठीक है। बहुत ही शानदार भैंस, बहुत ही बढ़िया। इधर गाय देखिए, एक साहिवाल। नहीं जी ये क्रॉस में है जी, 2 दांत बच्ची है इसका, 1 महीना अभी ब्याने का रहता है। तो साहिवाल कौन से? ये जी बिक्री के लिए, ये बच्ची 2 दांत अभी निकल रही है इसने, ये जी जर्सी में क्रॉस है, साहिवाल जर्सी क्रॉस है। हाँ जी। तो भाई साहब ये कितने की बेचनी है? ये भाई जी इसकी एक ही डिमांड है 45,000 रुपए। 45,000, 45,000 की बेचनी है देखिए। हाँ, नीचे से जी लेवटी की बनावट बहुत बढ़िया है इसकी। 1 महीना अभी जो है इसका बाकी है, ये देखिए नीचे से अभी बढ़ने लगी है ऑर्डर इसका, और साफ सुथरी बहुत ही बढ़िया। साहिवाल और जर्सी मिक्स बछड़ी 2 दांत 1 महीने में बच्चा देना वाली, बंद हो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। नीचे से जो है अडर और थन दिखाई दे रहे हैं गाय के, और अभी बढ़ना शुरू किया है अडर। इससे आगे देखिए हमारी गौ माता, हरियाणा नस्ल की देसी गाय, इसका पिछले साल सर्दियों में भारतीय पशुपालक किसान ग्रुप है एक। हाँ हाँ। उसके अंदर इसका दूध भी रिकॉर्डिंग करवाया था 4 टाइम में। हाँ हाँ। और बारिश आ गई थी उस टाइम, बारिश में भी इसने 17 किलो 40 ग्राम दूध दिया, लाइव रिकॉर्डिंग है जी 4 टाइम की सुबह, फेसबुक लाइव में 17 किलो 40 ग्राम। हाँ जी, मेरी फेसबुक आईडी वीरेंद्र गढ़वाल, उससे चलाया था। ठीक है। तो भाई साहब ये कौन से ब्यांत की होगी गाय? भाई साहब ये खरीद के ले गया था, अगले ने 5वें ब्यांत बताया था, वैसे मेरे को ज्यादा उम्र की लग रही है थोड़ी। ठीक है। पिछले साल ही ली थी या इस साल? नहीं जी पिछले साल ली थी, और ये
है जी प्रेग्नेंट नहीं हुई अपने पास, थोड़ी दिक्कत में आ गई थी, दूध अब भी दोनों टाइम दे रही है जी 6.5 लीटर अब तो। कितने महीने की ब्याई हुई हो चुकी है ये भाई जी? 10 महीने की ब्याई हो चुकी है तकरीबन। 10 महीने की ब्याई हुई, 6.5 किलो दूध अभी भी दे रही है। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए भाई साहब के पास बहुत ही शानदार जो है, हम बात करें चाहे वो मुर्रा की चाहे हरियाणा नस्ल की गाय की, बहुत ही अच्छा पशुधन। और जितना भी हम कहें इस भैंस के बारे में, ये तो मैं कहूँगा बेजोड़ है भैंस, जिसने भाई साहब के पास 24 किलो 25 किलो दूध जैसा कि इन्होंने बताया, और एक भैंस जो दूध देती देती बच्चा देती है वो तो बहुत ही शानदार। तो वीरेंद्र भाई, कोई भाई गाय लेना चाहे या कोई भैंस भी पूछना चाहे तो क्या मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएंगे भाइयों को? भाई साहब फोन नंबर अपना 7449 38945। इंग्लिश में करना इसको रिपीट, 7449 38 9 4 5 4 5। एक ही नंबर देना है? हाँ एक नंबर और है जी, बाकी एक नंबर दे दो तो बढ़िया, ज्यादा परेशान। एक नंबर बहुत है भाई। तो ये नंबर भाई साहब ने हमें बताया। तो भाई साहब वीरेंद्र भाई एक छोटी सी बात और पूछना चाहेंगे, फीड में क्या देते हो दूध वाली भैंसों को जो इतना दूध देती है? हर्ष ऑर्गेनिक फीड देते हैं वैसे तो। हाँ हाँ। और साथ में जी चने का खंडा और गेहूं का चोकर। ठीक है, चने का खंडा और गेहूं का चोकर, और जो हर्ष ऑर्गेनिक फीड जिसकी काफी सारी वीडियो। हाँ जी आपकी वीडियो से देखी थी मैंने स्टार्टिंग। हाँ। आपने बनाई थी शायद से अपने भाई रमेश दानसो की वीडियो, उसमें मैंने देखा था, मेरे को रिजल्ट बढ़िया लगा तो वही देने स्टार्ट कर। शुरू से ही वही आ रही है? वही आ रही है जी। कितने साल हो गए यूज करते हुए? उसके हो गए तकरीबन जी 2 साल हो गए तकरीबन, ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ। 2 साल से लगातार वही यूज कर रहे हो? वही यूज कर रहे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, और कुछ कहना चाह रहे हो? और भाई साहब अगर किसी भाई को भैंस लेनी हो तैयार दूध की, हाँ हाँ, भाई 12 किलो 14 15 16 18 20 किलो तक की 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम कंडा, हाँ, करा के भैंस भी दिलवा देते हैं। ठीक है। साहीवाल गाय लेनी हो प्योर वो भी दिलवा देते हैं। ठीक है। और बिल्कुल जेन्युइन रेटों में दिलवाएंगे। ठीक है। दूध कंडे का दिखा के दिलवाएंगे, बगैर दूध दिखाए आप कोई भी भैंस या गाय नहीं दिलवाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए आज भाई साहब के पास आए और बहुत ही शानदार क्वालिटी की भैंस इनके पास है, भैंस भी और साहिवाल नस्ल की गाय भी अगर आप लेना चाहते हैं भाई साहब दिलवा भी देंगे तो संपर्क कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं, आप जरूर ये जो हरियाणा नस्ल की गाय दिखाई भाई साहब ने और जो दो मुर्रा नस्ल की भैंसें दिखाई, इनके बारे में जरूर कमेंट्स में आप हमें बताना आपको कैसी लगी। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।